गांधी के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही, उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण ट्वीट भी किया गया है। पहले आप लोग यह ट्वीट देखें, उसके बाद इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुनाएंगे, तो ध्यान से पहले इस ट्वीट को समझ ले। यहाँ पर देख सकते हैं ट्वीट में लिखा गया है कि आवर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड सहायिका, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सपोर्ट के लिए उन्होंने इनहेंस द ऑनरेडियम यानी कि मानदेय में बढ़ोतरी की है। अर्लियर आंगनवाड़ी वर्कर यूज टू गेट 7500 एज ऑनरेडियम, यानी कि इससे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रुपए मानदेय के स्वरूप में दिया जा रहे थे, लेकिन अब नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू द 9300, यानी कि अब उनको 9300 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी का एक बयान भी सामने निकल के आ रहा है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। मातृशक्ति की हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी बहनों, मिनी आंगनवाड़ी बहनों और सहायिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उनके मानदेय में भी हमने वृद्धि की। जहां पहले आंगनबाड़ी बहनों को 7500 रुपए मानदेय के रूप में मिलते थे, अब आपको 9300 रुपए मानदेय के रूप में दिए जा रहे हैं। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का भी 3550 से 5250 रुपए किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज के इस दिन पर मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके भाई के रूप में आपके लिए जो सबसे बेहतर होगा वो हमेशा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं बाल विकास विभाग के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि आप सबको और अधिक जानकारियां, जो योजनाएं हम चला रहे हैं सरकार की योजनाएं, आप सबको मालूम हो और आप सबके माध्यम से हमारे उन हजारों लाखों उन बहनों तक भी ये योजना पहुंचे जिनके लिए ये योजना प्रस्तावित की गई है या जिनको लक्ष्य मानकर ये योजनाएं हमने प्रारंभ की। उत्तराखंड में तो सवाल यह है कि अब मुख्यमंत्री जी ये क्यों बता रहे हैं, इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री जी आज के दिन क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए और साथ में कुछ और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए उनकी सरकार ने क्या किया है, सरकार ने अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए यह बयान दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के दर्द क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद ही पता चलता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी मांगों को लेकर अक्सर सड़कों पर देखी जाती हैं। जब उनसे बातचीत किया जाता है तभी उनके दर्द का पता चलता है। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक बार फिर से आंदोलन करना शुरू कर चुकी हैं, सड़कों पे आ चुकी हैं। जनता जंक्शन नामक एक न्यूज चैनल है, उन्होंने हमारी इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो आइए उसकी एक छोटी सी झलक आप सभी को दिखाते हैं और देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस प्रकार की समस्याएं हैं और कितनी भारी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है आंदोलन लेकर के तो आए हैं। हाँ